तो गुरु, पिछले वीडियो में आपने देखा था इतने बड़े खेत से फ्लावर्स को कैसे हार्वेस्ट किया जाता है। ऐसे ही आपने देखा था चप्पल और जूते कैसे बनाए जाते हैं। तो आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पर आज आपके लिए लेकर आया हूँ एलोवेरा फार्मिंग से लेकर हार्वेस्टिंग से लेकर फैक्ट्री प्रोसेसिंग तक की सारी प्रोसेस। तो गुरु, बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। वैसे तो एलोवेरा किसी भी टाइप की सॉइल में किसी भी टाइप की जमीन में पनप सकता है, लेकिन बात करें कमर्शियल लेवल की तो जिस मिट्टी का पीएच 7 से लेकर 8 तक हो वहाँ इसकी जान पार्ट प्रोडक्शन हो जाती है। तो देखिए, यहाँ ग्वार पाठा या एलोवेरा को कुछ ऐसे मैन्युअली प्लांट किया जा रहा है। अब जब ये पौधे थोड़ी ग्रोथ स्टार्ट कर दे तो इन पर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना जरूरी हो जाता है ताकि इनकी अच्छी ग्रोथ में कीड़े मकोड़े खास खरपतवार रुकावट ना डाल पाए। अब आ गया है वो दिन जब इन्हें हार्वेस्ट किया जाएगा, यहाँ से फैक्ट्री पहुंचाया जाएगा। तो ये काम भी ऐसे मैनुअली किया जाता है जिसमें वर्कर्स एक एक करके एलोवेरा के पत्ते काटते हैं ताकि बचे हुए तनों में फिर से पत्ते आ पाए। इन पत्तों को साथ ही साथ ऐसे कन्वेयर बेल्ट से होते हुए साथ में चल रहे कंटेनर में जमा कर लिया जाता है जिन्हें अब फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब अपने प्यारे एलोवेरा पहुंच गए हैं फैक्ट्री प्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेप में, जहां इन्हें ट्रॉले से उतार कर एक बार पानी से धोया जाएगा, क्लीन किया जाएगा। धुल जाने के बाद इन्हें कन्वेयर की सवारी कराते हुए पहुंचाया जाता है उस चेम्बर में जहां कुछ वर्कर्स इन हजारों एलोवेरा के पत्तों में से जो थोड़े भी खराब पत्ते हो उन्हें रपारप निकाल के अलग कर देते हैं। अब क्योंकि इतने सारे वर्कर्स का इन पर हाथ लग लग के आशीर्वाद मिल चुका है तो जरूरी हो जाता है इन्हें एक और बार धोना, जिसके बाद इनके पत्ते इस तरह से हटा लिए जाते हैं और इनका बचा हुआ पल्प जमा कर लिया जाता है। वैसे वीडियो एडिट करते टाइम मुझे अपने इंडिया की ही एक एलोवेरा फैक्ट्री की एक मशीन पर नजर पड़ी तो सोचा आपने भी इसे थोड़ा देखना चाहिए। तो देखिए, इस मशीन में कुछ ऐसे पत्तों को जब डाला जाता है तो पच करके ये मशीन इसका पल्प निकाल देती है और बाकी बचे छिलके ऐसे अलग थलग बाहर निकल आते हैं। अब बात की जाए इसे जूस बनाने की तो इसके लिए भी तैयार खड़ी है ये मिक्सर मशीन, जिसमें जब पल्प डाल के इसे चलाया जाता है तो बन जाता है एलोवेरा जूस। चलो अब चलते हैं वापस से अपनी बड़ी फैक्ट्री में जहां पल्प को डिस्टिलाइज करके इसमें से हार्मफुल बैक्टीरिया रिमूव कर लिए जाएंगे। फिर इससे अलग अलग प्रोडक्ट्स जैसे एलोवेरा शैम्पू, एलोवेरा जूस, फेस वॉश, एलोवेरा जेल जैसे और भी प्रोडक्ट्स बना लिए जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक दीजिए। तो चलते हैं, मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय।